भांगिगला भारत स्वप्न ऑस्ट्रेलिया है विश्व चैंपियन 2023 विश्वकप टाइटल जीति टीम कंगारू यह सहित दल षष्ठ थर पर विश्वकप जीति रेकर्ड कर अहमदाबाद में विश्वकप फाइनाल 6 विकेट रे मैच जीति ऑस्ट्रेलिया भारत दे 241 रन टारगेट को 43 ओवर में जीति नहीं कंगारू टीम ट्रैविस सेड और मान्स लाबुशेन लड़ुआ बैटिंग करी दल को विजय भेटी उभय बोलिंग और बैटिंग रे भारत शोचनीय प्रदर्शन करी 2011 परे विश्वकप जितबार स्वप्न को धूलिसात करी प्रथम टॉस जीति ऑस्ट्रेलिया बोलिंग निष्पत्ति नहीं भारत दुई ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल दल भल आरंभ करते कि गिल मात्र 4 रन कर आउट होता बेले रोहित विस्फोरक बैटिंग करते कि रोहित 47 रन कर आउट होगापर दलर विपर्य आरंभ हो जाता विराट कोहली और केएल राहुल सतर्कतार सहित बैटिंग करी स्कोर को आगो को नेउथिले किंतु विराट आउट होगापर दल संकट में पड़ जाता राहुल मात्र 66 रन कर आउट होते सूर्य कुमार यादव 28 बल्रु 18 रन करते श्रेयस अय्यर और जाडेजा दल को निराश करते कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज सतर्कतार सहित दल को एक सम्मानजनक स्तर को नहीं जहाँफल 50 ओवर में सब विकेट हराई भारत 240 रन करिबारे सक्षम होता ऑस्ट्रेलिया पक्ष मिचेल स्टार्क 3 विकेट नहीं बेले जोस हेजलवुड 2 विकेट अख्तियार करते 241 रन विजय लक्ष्य को नहीं पड़िया को ओल्लाइला ऑस्ट्रेलिया तबे दल को आरंभ झटका लगी दलय स्कोर 16 रन होता बेले डेविड वार्नर आउट होते पर मिचेल मार्स आउट हेले स्टीवेन स्मिथ पैवेलियन को फेरी मात्र 47 रन में 3 विकेट हराई ऑस्ट्रेलिया परे परे ट्रैविस सेड और मान्स लाबुशेन दल पर संकट मोचक साजी विजय भेटी 120 बल खेली 137 रन करते हेड लाबुशेन 110 बल 58 रन करते मैक्सवेल अपराजित 2 रन कर दल पर विनिंग शॉट खेली भारत तरफ बुमरा 2 विकेट नहीं बेले शामी और सिराज गोटे लेखा विकेट नेबार सक्षम होते यह सहित ऑस्ट्रेलिया षष्ठ थर पर विश्वकप विजयी हो पूर्व 1987 1999 2003 2007 एवं 2015 वर्ल्ड कप जीति कंगारू टीम 2023 विश्वकप विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट विवेचित होती और फाइनल में सबकी इतनी आशाएं थी कि हम जीते हैं लेकिन वो नहीं हुआ और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और डिसअपॉइंटिंग मोमेंट है सबके लिए हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया जीतेगी हम दिल्ली से आए हैं स्पेशली मैच देखने के लिए लेकिन हार जीत तो वैसे लगी रहती है इंडिया ने सारे मैचेस इतने अच्छे खेले कि इस बार उम्मीद बहुत ज़्यादा थी बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत अच्छा खेला तो ये सब तो चलता रहता है तो आई थिंक दे ट्राइड देयर बेस्ट प्रेशर और ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है क्रिकेट पे बॉडी लैंग्वेज भी इंडिया की आज अच्छी नहीं लैंग्वेज बहुत अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग अच्छी करी इंडिया के 30-40 रन रोके भी मतलब ऐसा नहीं है कि फील्डिंग नहीं करी फील्डिंग बहुत अच्छी करी उन्होंने वो डिजर्व कर रहे थे फील्डिंग में जो कि इंडिया में नहीं दिखाई दी हमें ऑस्ट्रेलिया हैड वेरी गुड प्लेयर्स लाइक मैक्सवेल बोल्ट एंड लुलू ब्रेकेंच सो आई डोंट नो व्हाई दे लॉस्ट इन द फाइनल्स विद एन इजी टीम आई एम नॉट श्योर इट वाज सो इजी बट आई एम वेरी सैड इन द फाइनल्स Disappointing तो definitely था because उम्मीदें बहुत थी India did dominate the World Cup 2023 definitely and बहुत सारी historic milestones भी अचीव हुए हैं हमारे खास players विराट कोहली एंड मोहम्मद शमी they've done really well but I think आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम था उनकी bowling उनकी fielding batting everything was brilliant but still cheers for India always इंडिया तो सारे मैच अपनी लीग मैच 10 मैच लगातार ऐसी कोई टीम नहीं है कि जो 10 मैच लगातार जीती हो स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस बाय इंडिया नो डाउट अबाउट दैट लेट्स अ गेम विल टेक इट एज अ गेम स्प्रिट से लेना चाहिए हार जीत तो लगी रहती है मैच को स्प्रिट से लेना चाहिए नेक्स्ट टाइम देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम छोटे से तालाब में आके डूब गए परफॉर्मेंस अच्छा था मगर आज कुछ परफॉर्मेंस नहीं था जैसे कि ऑफकोर्स 100% ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था तो नो डाउट मगर बोलता है ना आखिर में जो जीता वही सिकंदर तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली मगर हार्ड लक रोहित शर्मा के लिए ज़्यादा बुरा लगा और पूरी अपनी टीम के लिए बुरा लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद मगर आफ्टर गेम होता है तो नो प्रॉब्लम एक्चुअली मिडल ओवर में कोहली थोड़ा बहुत स्लो खेले फिर दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो डॉट बॉल ज़्यादा थे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई वो डॉट बॉल अपने पे ज़्यादा प्रेशर ले लिया हम लोग ने वो प्रेशर नहीं लिया होता ना तो कम से कम 30-40 रन हम लोग और जोड़ पाते थे
कम से कम 290 के करीब होते ना तो ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा प्रेशर आता था, क्योंकि फाइनल में ऑलवेज प्रेशर आता है, प्लस होम ग्राउंड और 130 130,000 पब्लिक के सामने खेलना नॉट अ इजी जॉब। मुझे लगता है कि टॉस से फर्क पड़ता है, अगर टॉस इंडिया जीता होता तो उन्होंने पक्की बात है चेज करना प्रेफर किया होता, पहले वो फील्डिंग करते बिकॉज चेज इंडिया ने आज तक हमेशा बेटर किया है एज कम्पेयर टू पहले बैटिंग से। बाकी कुछ हद तक फील्डिंग तो लूज है ही एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, बाकी उन्होंने मेहनत तो पूरी की है इंडिया ने, वो तो कहेंगे ही। अलावा मेरे को लगता है कि फील्डिंग लूज थी, फील्डिंग टाइट होनी चाहिए थी, उस वजह से काफ़ी रन्स जो बचा सकते थे इंडिया वो नहीं बचा पाया। बाकी बैटिंग लाइनअप में तो किस्मत की बात होती है, हर बार चले आज नहीं चल पाए। अच्छा राज, इंडियन टीम का भी ऑस्ट्रेलिया का भी वही, अगर टॉस में हम चेज करते तो आई थिंक बेटर पोजीशन होती, वी वुड हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन अ बेटर वे, अगर आज हम बैटिंग नेक्स्ट सेकंड बैटिंग करते तो, और इंडिया को पहले बैटिंग करा के ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करा के हम चेज करते स्कोर को। डिसअपॉइंटिंग, लाइक मतलब एक तरफा ही हारे हैं, और ड्यू फैक्टर भी आया लास्ट में, जैसे देखा कि ड्यू फैक्टर आ रहा है तो उसकी वजह से था, बॉल स्पिनर्स की बॉल ग्रिप नहीं हो रही थी, फास्टेस्ट बॉलर की यॉर्कर्स नहीं पड़ रही थी, और ट्रेविस हेड फिर ही इज इन फॉर्म ऑन डे, ऑस्ट्रेलिया नहीं ट्रेविस हेड लाइक ही टुक द गेम अवे, मतलब वही एक रीज़न था, अगर वहाँ पर ट्रेविस हेड की विकेट मिल जाती तो हम प्रेशर दोबारा से क्रिएट करते थे, बट वही है कि डेस्टिनी। बहुत बुरा लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा तो हर वक्त नहीं खेलता ना, कंटिन्यू 10 मैच जीत गया तो उम्मीद तो यही था कि इस बार जीतेगा, अगर जीत हार जीत हार में इतनी दूर आता तो इतना उम्मीद शायद नहीं था रहता, पर कंटिन्यू क्योंकि विन हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद था, पर अब तो मतलब कोई भी उम्मीद नहीं, जीत ही गया ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। फिर 4 साल बाद तब ऐसा परफॉर्मेंस दिखने को मिलेगा या नहीं वो भी पता नहीं, तो बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। आई थिंक द ड्यू फैक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल लूजिंग दिस मैच, बट आई थिंक इंडिया डज नॉट गिव 100% इन दिस मैच, बट दे प्ले वेल। इफ यू लुक इन मैच we have to think that sports is all about two dimensional things, so one team always wins and one team loses, so we will always support India. This year we will not win this World Cup, but I hope next year we will win with so much excitement and we will still support team India. Thank you. What about bahut hi nirashajanak hai ki haar jo hui final mein hui hai, agar league match mein hoti to fir bhi accept karte hum log, but final mein haar hui kaafi nirashajanak hai, aur ye match manta hu over confidence bhi ho sakta hai, aur hamara kaafi defensive approach tha aur kaafi aggressive approach tha, ab galti haarne pe nikalne lagenge to hum to फैंस नहीं कहलाएंगे, चीटर्स कहलाएंगे। बस मैच जीती की थी, एकदम खुश थे सब लोग, आज ऐसे वो लोटे की तरह पलट जाएगी कि आज खराब थे। इट्स एवरीवन, इट्स अ वन डे, उसका स्लोगन ही इट टेक्स जस्ट अ वन डे, इट वाज नॉट आवर डे, दैट्स इट।